ਕਿਹੜੀ ਆਇਤ ਕਿਹਦੇ ਹੱਕ ਚ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਈ ਕਿੱਥੇ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਈ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂ ਅਲੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂ ਤੇ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਦੀ ਬੇ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਤੇ ਇਨੀ ਤਫਸੀਰ ਲਿਖਾ ਕਿ 80 ਊਠ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਔਰ ਕੁਰਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ मेरे महबूब कह दे मेरी रसालत ते गवाही दो ने एक अल्लाह और एक जिदे कोल कुरान दा कुल इलमे मन मेरी नबी दी रसालत ते पक्के गवाह या अल्लाह मुंह खोल मुंह 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 या अली ये गवाह हुंदा ही चश्मदीद अल्हम्दुलिल्लाह अलैही वस्सलातु वस्सलामु अला आलिहा अम्मा बाद औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वयकूलुल लजीना कफरु लस्ता मुरसला कुल कफा बिल्लाहि शहीदं बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब सुभान अल्लाह नहीं कही तुसी ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ایک دفعہ جاگ کے درود پڑھو نبی دی ذات تے سبحان سامعین محترم رات ڈل گئی انہاں نے پہلے اور موضوع دیتا پھر اج سویرے فون کر کے اور کہتا بہرحال جو انہاں نے حکم دیتا میں کوشش کردا دو جملے پڑھن دی یقول الذین کفروا کافر کہندے نے میرے محبوب تو رسول نہیں میرا دکھالے میری گل دی سمجھ آ گئی نہیں کافر کہندے نے کہ تسی رسول نہیں کل मेरे महबूब इन्हां काफरां नूं कह दिओ मेरा ते ख्याल है जां बोलो जां टुर जाओ ये काफर कहिंदे ने तुसी अल्लाह दे रसूल नहीं कुल फरमा दिओ इन्हां काफरां नूं कफा बिल्लाह बैनी व बैनकुम मेरे और तुहाडे दरमियान मेरी रसालत दी गवाही लई एक अल्लाह काफी है और दूजा ओ जिदे कोल कुरान दा कुल इलम है जिन्हां नूं पता लग गया ओदे सुभान अल्लाह लगाओ मेरी रसालत दे गवाह दो ने एक अल्लाह ते दूजा ओ जिदे कोल किताब दा कुल इलम है एक और कह सुभान अल्लाह हौली हौली निकल जांगे जी कुछ मुफस्सिरीन इकराम ने दो मिनट मुश्किल निकल जावे क्या कि एदे तो मुराद अब्दुल्ला बिन सलाम रजी अल्लाह तआला ना ऐत मक्के नाज़िल हुई है उन्हां कलमा मदीने पढ़िया है ऐत मक्के दी है ओ मदीने दे ने नंबर दो कुछ कहते हैं तो मुराद जिब्राइल अलैहिस्सलाम है जिदे कोल कुल किताब का इलम है आओ इदा पता कर लें जो सूरह मरियम नाजल हुई ना कायनात दे नबी नू आके जबरील ने क्या कमली वाले काफ मेरे नबी ने कहा अलिम तो मैनू समझ आ गई अगे पढ़ कहिंदा हाँ नबी ने कहा मैं जान गया अगे पढ़ क्या या हजूर ने कहा मैनू समझ आ गई अगे चल आईन हजूर ने कहा अलिम तो मैं जान गया अगे चल सवाद अलिम तो कहिंदा कमली वाले मैं लेके आया मैनू नहीं पता लगा कि काफ आ या ऐन स्वाद की है तुसी आंदे हो मैनू पता लग गया इहदा मतलब है जबरील नू भी पूरे कुरान का पता बोलो तो सही तफसीर रूहुल बयान ओ बंदा लबना है सवा लख सहाबा है जिनू पूरे कुरान दा पता उलमा बैठे ने मेरे तो वड्डा पहले पढ़ गया बंदा जिन्ना चिर तेनू होर ना लबे मैं दसना हुसैन ते हसन दा बाप ही
सुनिया दा पीरी बोलेगा फातिमा दा शौहरी नबी दा वीरी क़यामत वाले दिन झंडा रसूल दा चुकन वाले कहंदे की ने सुनोनी कबलान तफ्तदूनी ओ लोगो इस तो पहले के मैं दुनिया ही चो टुर जा जो दिल कर दे पुछो जिन्हों ठंड पई सीने चली दा ना सुन के सुभान अल्लाह को जो दिल कर दे मैं चेहरे पढ़ लांगे जिन्हों जो दिल कर दे मैं पेड़ बैठा कोई मौलवी दस है किसी और से अभी क्या होवे जो दिल कर दे पुछो सुनूनी अगला फिक्रा सुन के वे ना उठदा कौन है सुनूनी امام زرقانی لکھ دینی شرم واہ بل دنیا سنونی ان علم اللہ یعلمہ جبریل و ولا میکائیل او علم پچھو علی آندا ہے جڑا نہ جبریل نو آوندا ہے نہ میکائیل نو آوندا ہے بولیا نہیں تو علی آندا ہے میرے کولو او علم پچھو جڑا نہ جبریل نو آوندا ہے جڑے مانیو علی دے تے ہاتھ کھڑے کر کے سبحان اللہ کہو अगली गल सुन के जरा उतामू रखी सुनूनी अन तुर की समावात फैनी आलम बिहाव मिन तुर के अर्द यार खुदा दी कसमें मैं दे वजह दे चाह के चूम गया पता नहीं तू मर जाएगा या खिड़ेगा अली आंदा है मेनू पूछो आसमाना दे राह मैं जमीना नालो आसमाना दे राह ज्यादा जानना बोले नहीं जे ए 202 मेरे को कुरान चुका ले मेनू नहीं पता पिया कर किदा है ओ किदा है आ किदा है ते जे मैं 10 साल इथे रह जावां ते मेनू पता ना हुन अली आंदा मेनू पूछो जमीना नालो मैं आसमाना दे रहा मेनू नहीं पता तू समझया 202 वाले के नहीं मैं जमीना नालो आसमाना दे रहा मेनू ठंड पाओ एक बार अगो ना सदी मैं जमीना नालों आसमाना दे रहा ज्यादा जानना मानो मौलवी कोई वक्त एहो जिहा होएगा कि मुहम्मद भी उथे रहे ने ते अली भी उथे रहे ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि सलाम एक बार बोल सुभान अल्लाह जी, जी, जी मेरे को पूछो मौला कहंदे ने अगर कजा दी मसनद बचा दियो मैं तुरात वालियां नु तुरात चो फैसला सुनावा जबूर वालियां नु जबूर विचो सुनावा अंजील वालियां नु अंजील चो दसा तवज्जो कुरान वालियां दा फैसला कुरान चो करा अली आंदा है मैं जानना केड़ी आयत पहाड़ ते लठी केड़ी जमीन ते केड़ी रात नु आई केड़ी दिन नु आई मैं जानना मैं तुसी आपस से टकाल मलाई है ते मेनू टेंशन हो गई खैर जी मैं जानना केड़ी आयत किदे हक च नाज़िल हुई किथे नाज़िल हुई मैं चाहवा अली आंदे ने मैं चाहवा बिस्मिल्लाह दी बे दे नुक्ते ते इनी तफसीर लिखा के 80 ऊंट चुक के बह जाए और कुरान कहंदा है मेरे महबूब कह दे मेरी रसालत ते गवाही दो ने एक अल्लाह और एक जिदे कोल कुरान दा कुल इलम है मन मेरी नबी दी रिसालत दे पक्के गवाह या अल्लाह मुंह खोल मुंह 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 या अली ये गवाह हुंदा ही चश्मदीद मैं चेहरे पढ़ रहा मौलवियां दे गवाह हुंदा ही चश्मदीद मैं आया प्यारियो अगे अकमल शाह जी खड़ोते सन खैर यार अज पेश ही है अदालत जाना चल यार मैं भी गवाही देना जज पूछन लगा तू कितों आया जी मैं व्याड़ी हूं जदों ये वाकया होया तू कितने सी जी मैं व्याड़ी 6 महीने अंदर ना कर देगा भी तू सुनिया खत्मा दे सवाब देन आ गए ओए दुनिया दा जज अनडिठी गवाही मनदा नहीं चश्मदीद मनदा अली ये रसालत दा गवाह ते गवाह ए चश्मदीद जदों रसूल रसूल बन लिया सी
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੁੱਟ ਜਾਣੇ ਹੱਥ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵੀ ਥੱਲੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਨਬੀ ਨਬੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਲੀ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇ ਅਲੀ ਇੱਕ ਨੂਰ ਚ ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ ਸੁਨੀਆਂ ਮੈਂ ਤੇ ਅਲੀ ਲਓ ਜੀ ਮੈਂ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਇੱਕ ਦਲੀਲ ਦੇਣਾ छोटी जी ताकि आसान समझ आ जाए ऐसा ऐसा अगे चलते हैं ए सुनो हदीबिया छेवीं दी दीन याद तो लग के ते एमए तक दलील एडी वजनी है कि उलमा दा दिन ए सुनो हदीबिया लिखी जा रही है साल आया है हां जी लिखाओ सुलानामा ओ बह जा भाई मरूंडा जी मेरे नबी ने लिख क्या लिख मिन मुहम्मद रसूलुल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह वल्लों ए मुहैदा लिखिया जाता है वो कुरेशिया का जन टुट के खलो गया वो कहिंदा जे तेनू रसूलुल्लाह मन्नीए ते लड़ाई का दे मेनू नहीं पता ओ रौला दे रसूलुल्लाह दे असी रसूल मनते ही नहीं लिख मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह मेरे नबी ने क्या अली की लिखी अगे जे रसूलुल्लाह मिटा दे पूछो मौलवियों के सिर से कुरान रख के अली ने कलम सुट दिता कमली वाले अगर मैं मिटा दिया ते मैं ते तेरी रसालत दा गवाह हां मैं नारा ते ओ बोलो हैदर हैदर दोनों चक्के नबी रवीर का जिक्र करो हैदर 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 अगर मैं रसूलुल्लाह मिटा दिया ते एदे ही ते मैं गवां जिन्हां ठंड पई रात खड़े कर आ जे हुण मन सोनिया कह दे मेरी रसालत दे गवाही दो ने एक अल्लाह हुण दे बोल ते दूजा अली जिदे कोल किताब दा कुल इलम है हुण जरा जागदा जाई एक तेरी सुनी गल लगा सुनान ताकि मजा आए ते अगे चलिए सुलेमान अलैह सलाम दा दरबार लगा सजे हाथ जिन बैठे मेरे नाल चली टाइम वो दिते जो दुनिया सौ गई है खबे हाथ इंसान बैठे उत्ते परिंदियां दा साया ते बलकीस सबा दी मलका वाकया सुनिया तू ए आ रही है घंटा रह गया ओदे अपने विच जनाबे सुलेमान सलाम कहिंदे ओए दरबारियो मेरे को सुनो है कोई जेड़ा बलकीस दे पहुंचन तो पहले 40 गज लंबा 80 गज लंबा 40 गज चौड़ा 30 गज उच्चा तख्त ते 1400 मील ते पिया ओ घंटे ते आने वाले ये जेड़ा ओदे आने तो पहले ले आवे मेरा ख्याल है तुहाडे हाथ कमजोर ने मैं ऐ पढ़नी है कोई काल है फ्री तो मिला जिन जिन्ना ही चक दियो उठे अज दा नाम सी ज़कवान कहिंदा आना आती मैं लेऊं मैं लेऊंगा किन्नी देर लाएगा ए आना आती कभी कबलान तकुमा में मका तो अड़ी कचहरी पर खास तो उन्हें लगते ने 6 घंटे ते मैं 6 घंटिया दे वेच वेच ले आवांगा फिर मैं बेवकूफ आओ ओ घंटे तक पढ़ना लिए आए हाय मेरे को सोना मैं तेन की सुनान लगा ते तू लाना 6 ओ मेनू जल्दी चाहिए हुण जदों सरदार जिन्ना दा बह गया ते जिन सिर सुट गए हुण एक दुबला पतला बंदा उठया ना आसफ है प्यो दा ना परखिया है सुलेमान अलैहि सलाम दी मासी दा पुत्र भरा है कहिंदा जी मैं लियावांगा जिन कहिंदे ने हैं तेनू समझ नहीं आई मैं कहां पार चुकन दा मुकाबला होवे मन दो मन तीन मन दा वट्टा हुण सारे पहलवान बह जान जी ए चुकिया जांदा नहीं ते एक 10 साल दा काका कवे मैं चुकना ते पहलवान कहणगे नहीं हैं ओ जिन्ना क्या होए असी ताकतवर बंदे
इंसान पतला जा है तू लेगा। इन्हें कहा जी मैं लियावांगा हूं मेरे को सुन अगे सुनता रही ना मेरे को भी सुन मैं लियावांगा। उस जुकमान कह लगा 1400 मील का सफर ही 80 गज लंबाई 40 गज चौड़ाई 30 गज उचाई और 7 कोठिया तालिया च बांधी। उन्हें क्या फिर की होया किन्नी देर शादिया फिक्रे नमी किन्नी देर। उन्हें क्या आख चमक कबला आई जर तद्दा इलाई का तरफ आख चमक तक आले सुन गौर न जिन कल गए हैं एक में तुम्हारे अखां उतां पट्टो जिन्नो बैठा भी एथे रवांगा बैठा भी एथे रवांगा एथे तो आदे सामने 1400 मील जावांगा भी 1400 मील आवांगा भी तख्त लियावांगा भी ओए ना तुहानू मेरा जाना समझे जाएगा ना आना आएगा। ए ओ जिदे कोल किताब दा इना कोई इलम है ओए होए 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 जिन टकरा मार दे रह गए ओ गया भी है आया भी है ते उठया भी नहीं ते तख्त आ गया जिदे कोल इना इलम है ओ एडी दूरों तख्त ले आउंदा ते अली कोल ते कोल किताब दा इलम जिंदाबाद जी ओए कोज इलम तबीज वास्ते हुंदा मेन कोज इना को इमाम जाफर सादिक फरमांदे ने 73 हरफ ने इसमें आजम दे किन्ने 73 इस आसम को सिर्फ एक सी बोलिया नु किन्ने सन कुल किन्ने ने 73 आसम को किन्ने सन एक दो मिले हजरत ईसा अलैहि सलाम चार मिले हजरत मूसा अलैहि सलाम आठ मिले हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम 15 मिले हजरत नूह अलैहि सलाम 25 मिले हजरत आदम अलैहि सलाम। इमाम जाफर सादिक फरमांदे ने मेरे नाने नु मिले 72 आहा एक रब ने अपने लिए रखा है चलिया जिदे कोल एक के ओ जानदा भी है औंदा भी है पता भी नहीं लगता ते जिन्ना कोल पूरे पत्थर ने तू या रसूल अल्लाह मदद कह ओ 200 तो ज्यादा दूर है। मेरा ख्याल बोट बज में ही सद लिया जे मैनू उची बोलो सुभान अल्लाह मजा नहीं आया मैनू जानदा भी है। यमन का एक बंदा है आमल है अपने शागिर्दां च कहन लगा जिन्ना इलम अली को लेना उन्ना ही मेरे को उदे शागिर्द कहिंदे ने चवला ना मार अली अली है अली इवे खच मारन दे हां अली अली है एक गल अली दे मुंह ते कमेगा उन्हें कहा बिल्कुल ओके चल फिर तुर पिया आ गए कूफे। मेरे मौला दा ऐसे तरी अगे मुरीदां दा जशन है पीछे आके बह गया जिन्हों पता ना लगे उन्हों अली नहीं आंदे इंज नजर चुक के फरमाया पिछों आ गया ते हुण लुकदा है जिन्हां रब ने जबान दी खोलो जिन्हां दियां इत्थे बंद ने कबरे च भी बंद रहणियां ने तेरा ते मेरा इलम बराबर है कहिंदा जी बराबर है। अली ने इंज कीता फरमाया दस मेरे हाथ च की है तू बोलेगा ते चस है दस ओए मेरे हाथ विच की है बैठा भी उथे रहा उन्हें कहा जी मैं दसना इंज कीता कहिंदा 300 मील दूर एक पहाड़ी है ओदे उत्ते कुगी ने दो आंडे दिते ने एक चुकया तू ओथों गया भी नहीं मैं किन्ना लोगां च पढ़ रहा हां गया भी नहीं ते चुक लिया ही। अली ने इंज हाथ खोलिया फरमाया शाबाश आंडा विच शाबाश कहिंदा जी हुण कह दियो ना तुहाडा ते मेरा इलम बराबर है फरमाया अगे आ आया ना फरमाया हाथ कर आंडा उत्ते रखिया फरमाया जिथों मैं चुकिया तू रख दे क्या बात
बोलो है जिथो मैं चुकया तो उथे रख उन्हें क्या जी मैं ए ते नहीं कर सकदा कायनात दे मौला ने क्या जी नहीं कर सकदा ते मन अली अली बोल अली चस नहीं आई बोल अली अजे चस नहीं आई अगे चलिए मैं समझाना रावी दा किनारा है रावी दा दाता सा बैठे ने राजपाल आ गया उन्हें कहा उठो चल भज फरमाया ना मेरा प्यो दादा नसया मैं नसन वाले दी औलाद नहीं पता नहीं हूं कौन समझदा पे मैं भजन वाले दी औलाद नहीं मेरे मेरे बाप अली ने कहा सी मौत अली ते डिग पवे अली मौत ते डिग पवे टेंशन ही नहीं उन्हें कहा तू नहीं जानता फरमाया नहीं गल लंबी है लेकिन मैं शार्ट करने लगा ए आप फरमान के कलमा पढ़ ले चंगा रहेगा बाकी मैं छड़ती गल उन्हें क्या ठहर मैं तेन टेस्ट करना फरमाया मैं सैयदा टेस्टर हां दाता साहब कह लगे ओ कहन लगा फिर इंज कर मैं जादू ना लगा प्रवास करन जब मैं मुड़ के आवां ना सिर्फ इना दसी कि मैं कित्थों आया मेरा दिखा ले मैं कोई फारसी नहीं बोली भी तेन समझ ना आई हो फरमान लगा कह लगा गल सुन मैं लगा प्रवास करन ओ जदों मैं मुड़ के आवां सिर्फ इना दसी मैं बोलो ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਾਓ ਇਹਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਦੂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅੱਗੇ ਸੇਬਾਂ ਦਾ ਬਾਗ ਹੈ ਤੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਣਾ ਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸੇਬ ਹੀ ਲੈ ਜਾ ਹੱਥ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸੇਬ ਪਿਛਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸੇਬ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਅਗਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਆ ਸੇਬ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਨਕਾਬ ਹੈ ਹੱਥੇ ਛੁਰੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤ ਸੇਬ ਲੈਣਾ ਹੈ जिन्हें समझ आई हो तो खेड़ के बोलो कह लगा बच्चा सेब लैने हाँ जी ए अंज छुरी मारी नालों पच्चर ले सेब टूट गया फिर मैं जा ले जा इन्हें पाया बोझ उड़ के आया आ गया लाहौर आके दादा साहब बैठे कह लगे पूछ कहता हाथ अगे कर उत्ते रखिया सेब दस मैं कित्थों आया मैं वे ना उठ के दास सिंह नु केड़ा देंदा दी जनानी ना लड़ के करूं केड़ा आया दस मैं किथों आया मेरे दाता दे सिर हाथ रखिया हाथे रखिया सेब दस मैं किथों आया ओ लाहौर वाले दादा ने पोते चक पा के पिक्चर गड्डी पार नाल जोड़ के क्या इथों ही आया ना ये ते गूंद ला के बैठे ने बोलो बोलो नारा है हैदरी जरा नहीं चुंगदा मुक्का मारो दी बखी च नारा है हैदरी हैदरी इत्थों ही आया ना नहीं चासा है की गल आ गई अगे सुनिए तुसाने उलमा ने लेकिन तुसी सुन एक अंग्रेज ते अड़िके चढ़ गया तबलीगी जमात ते कमाल हो गई ए अब्दुल मजीद चीज़ी बारी आ सो मेरी बारी तो सोखड़ा पै गया अंग्रेज होवे ते बस पै गया तबलीगी जमात दे ओ बिस्तरा उन्हें चुकिया सारा दिन कुरान पढ़दा ते ए ही वाकया जिहड़ा मैं प्रकाश कीता ना ए आ गया ओ कहिंदा हाउ इज इट पॉसिबल ओ बैठा भी ओथे रहा ओथे ते एडी दूरों तख्तों ने किवें लै आंदा उन मौलवी जड़े सन बिस्तरे वाले उन्होंने कहा अल्लाह की कुदरत उन्हें कहा ना मुझे समझाए बैठा भी उठे रहा है गया भी नहीं ते तख्त कैसे ले आया उन्हें कहा अल्लाह की कुदरत उन्होंने कहा ना मुझे इस खोपड़ी में डालें कैसे लाया वो बिस्तरा चौके टुरे जाते ने कुदरती तौर पर लाहौर पहुंच की जमात दाता दे दरबार को ना लंघे वो कहिंदा इधरों मैनू अजीब जी खुशबू आउंदी है इत्थे की है ओ मरे होए हाथ खड़े कर ओए कह लगाए थे कि उन्हें कह थे शिरक ते बिदत होंगे ओ ये थे लोग की कबरा पूछते ने उन्हें कह एक मिनट ठहरो ओ मेनू ये तो खुशबू अजीब आउंदी है इजाजत दियो मैं वेखा इत्थे शिरक किवें करदे ने ओ उन्हें कोल बिस्तरा सुटिया तो टुर पिया जा आया ना अंदर दरबार दे अगे एक बुजुर्ग बैठे ने कहिंदा यार बाबा वाहवा जद इनू पूछना मुसलमान है ना इनू पूछना पियो तख्त ले आया कि
गया भी नहीं, बैठा भी उथे रहा, आके बह गया। वो बाबा जी कहन लगे ए क्या पियोगे, गर्म या ठंडा? की पीवेगा गर्म या, तू बोलेगा ना तो अगे मैं चलना नहीं, की पीवेगा गर्म के ठंडा? वो कहिंदा बुजुर्गो मैं चक्कर ला ला के थक गया, ठंड बड़ी है, जे चा लभ जाए, जे चा लभ जाए। बाबे ने एंद हाथ कीता, एक हाथ च चैनक दूजे हाथ च कप, जां ओदे अगे रखिया ना, अंग्रेज डिग पिया ते कहिंदा मैं मन गया, ए कप ते ए पिरच मेरी है लंदन दी, बैठा तू इत्थे आ। उन्हें क्या मैं मान गया बाबा जी, बैठे भी यही थे, कह भी नहीं, ओ चैनक भी मेरे घर दी, ए पिरच भी मेरे घर दी, ए कप भी मेरे घर दा, ते मकान मेरा लंदन च बैठा लाहौर, ओ जे तू लाया ते आसम तख्त भी लाया हो। ए ओने जिन्ना कोल इन्ना को इलम है, तू सुभान अल्लाह नहीं कही, चस नहीं मैनू आई, मैं अगे पढ़ना लेकिन तू थक गया, पढ़न लग्या एक होर ऐत पढ़ के थोड़ा जा पढ़ना, फिर वापस इत्थे आउना जिथों छड्या जी, 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 जी। यौमा नदू कुल्ला उनासिम बे इमाम हिम, 202 वाले तोहफा देके चले सैयद नाले, प्यो पुत्र दोवे आफत ने, मैं फिर आयत पढ़दा ताकि तेन समझ आ जाए मेरी तकरीर दी जान ने दो फिक्रे। यौमा नदउ कुल्ला उनासिम बे इमाम हिम, क्यामत दा दिन होएगा, आवाज आएगी हजरात अपने अपने मुर्शदा ते इमामा ते पेशवावा दे पिछे लग जाओ, बे मुर्शद रहन दूजे ते हाथ खड़े करो, अपने अपने पेशवावा दे आए हाए हाए, अपने अपने दे पीछे बोलेगा तो चस है कि अपने अपने दे, एक बारी बोलो अपने अपने दे पीछे लग जाओ, पुकारे आ जाएगा, अपने अपने दे पीछे लग जाओ। या अल्लाह मैं मैसेज पहुंचा सका सी, रब ए नहीं वेंदा पीछे कौन है, रब वेंदा अगे कौन है, जे समझ आ गई तो साल का मजा रहेगा। रबे नहीं वेंदा पीछे कौन है, वेंदा अगे कौन है। दरिया नीले सोटा मारिया मूसा अलैहि सलाम ने, रब बन गए, अगे कलीम उल्लै, पीछे 1.5 लाख इसराइली ने, विच मेरे वर्गे बदकार भी ने, साडे वर्गे चवल भी ने, बद अमले भी ने, शराबी बदमाश भी ने, रबे नहीं वेख्या पीछे कौन है, वेख्या चुके अगे कलीम है सारे पार लगे हुए, रब वेंदा अगे, उची बोल रब वेंदा अगे, बोल बोल रब वेंदा अगे। हुण आ गई फिरौन दी वारी, फिरौन वड़िया विच 6 लाख इसराइली पिछे ने, सारे भैड़े नहीं सन, उन्हां च कुछ चंगे भी सन, भावे काफर सन लेकिन पद अमले नहीं सन, चंगे लोग नहीं सन, लेकिन रब ने वह भी डोब दिते। रब चंगियाई नहीं वेखी, ये वेखे भी चवल लगे कि पिछे ने, चुनन लग्या वेख ओए किदे मगर लगा है। आला हजरत दा जे मुरीद है मरे आज ले उनकी पना, जिन चस आइए आज मदद मांग उनसे, आज मगर लाओ आज चुन, आज ऐत पढ़ो वजल ना हो मगर ना लगी, फिर जल ना हो अमरे ना, कुछ बनाए ने जेडे हादी बन के आउंदे ने साडे अमर दे तहत, उन्हां हादियां दे मगर लगी, अल्लाह हादी वेंदा है, समझ आई जी गल, ए वेंदा मगर किदे लगा, एक बारी बोल सुभान अल्लाह,
मैं गल सुना असबग बिन नबात ए रावी है कहिंदा मौला कायनात अली मुर्तजा चूंकि शाने औलिया इन्होंने कहा वलैत निकली अली दी जुती चो मैं इसलिए शुरू किया कि मौला ने क्या कूफियों मेरा लश्कर सारा मदैन पहुंचे वेचो ना दे हरीस बिन अमर ए मुनाफिक सी अठ बंदे सन ए भी नाल सन राह च एक मकाम आया ठंडा ए अठ उथे रह गए चलो भज के पिछो रह जाएंगे बाकी लश्कर अगे चला गया ए अठ बैठे ने चवल ते एक गो कोलो लंगी इन्हें भज के गो मार दी मार के ओ हरीस कह लगा आओ इस गो दे पंजे ते हाथ रख के बैत करिए गो दी गो साडा इमाम है अठ दे अठ गो दी बैत करिए ते ए साडा इमाम है करके अठ ते अठ ना पिछों रले जदों ते मौला दे लश्कर बह गया आप उठ के एक गल कीती सैयद बादशाह दादी फरमाल गया ओए अय्यू अन्नास मेरे मदीने दे ताजदार ने मेरे कान विच 1000 सरगोशी कीती किन्ने राज 1000 हर राज दा 1000 दरवाजा सी हर दरवाजे दा 1000 चाबी सी मैं एहो जा बंदे जानना कियामत नूं जदों सद पवेगी अपने अपने इमामां दे पिछे हो जाओ कुछ बंदे इहो जिहे ने जिन्हां दा इमाम गो अगे होएगी मैं चाहवां ते उन्हां अठ बंदियां दे नाम भी दस सकदा असबिन नबात कहिंदा कि ओ बंदा हरीस मैं वेख्या इंज कंबी जांदा सी जिवें घुन लगा छती डिगदा चलिया इमाम बनिया बना लग्या वेख नहीं मगर किदे लग्या ओ बोल ओए हुण यारवीं वाले नूं छड्ड गए तू किसे चवल मगर लग जाए गल बनदी है हुसैन नूं छड्ड के यजीद मगर लग जाए ओ बोल ओए चुन के लग नहीं मैं मिसाल देना है ताकि मजीद जट्टां नूं भी समझ आवे हरनी जा रही है शेरनी ने बच्चा दिता हरनी शेरनी मर गई वो बच्चा हुण बिलू बिलू पिया करदा हरनी मां सी ना तरस आया ये नाल लम्मी पै गई दुध उहदे मुँह च पाया शेर का बच्चा झूंगन लग पिया ये सुबह लंघदी भी झूंगादी शाम नूं भी जदों उहदियां अखां खुल्लियां उहने सोचिया मेरी मां है शाह जी गल सुनने वाली जी अगे अगे हरनी पिछे पिछे शेर का बच्चा हौली हौली जवान हो गया जवान जद हो गया ना उन पता लगा भी मैं शेर हाँ ये हरनी है उन्हें कहा बेबे तू मैनू पालिया है तू मेरी माँ है कोई हसरत है ते दस उन्हें कहा भी बचिया मैं दरख्तों के पत्थर खानी हाँ जितों तक मेरिया लत्तां पहुँच दियाँ लेकिन खोरे जड़िया करुंबलां ऊंचिया ने उन्हों का स्वाद की है उन्हें कहा हाथी उ सुंड ते मेरी मां नूं चुक ते जिथे ए कवे उस करुंबल तक लै जा इनू पत्ते खवा उन हरनी साथी दी सुंड ते चढ़ी ते पत्ते भी खांदी उत्तों एक बाज लंघिया उन्हें कहा हैं ओ ए की उन्हें कहा वे मैं जारी लाई सी अज ओदा फल भी खानी आ वे जे तू खाणा ते तू भी यारी ला ए बाज कहिंदा ठीक है मैं भी ला लां आके दरिया के किनारे उतरिया अगे एक चूहा डुबदा सी पर सर्दियां दा मौसम सी इन्हें उन चूहे नूं फड़ के बाहर कढ़िया अंज अपने परां थले दिता जो गर्मी पहुंची चूहे रां नूं आई होश उन्हें मारी दंदी ते पर कटिया फिर मारी ते पर कटिया उन्हें चुक के मारिया विच उड़िया जाके हरनी कहिंदा चवले झूठ मार दी सै ऐ वेख उन्हें कहा मैं नहीं चवल तू ए जनाना लाया किदे नाल सै चलिया इसे मेरे मुर्शिद ने कहा आज ले उनकी फना आज पंजा दे मगर लग जाए खुदा दी कसम जन्नत इन्हां दी कौसर इन्हां दा झंडा इन्हां दा कायनात इन्हां दी आज इन्हां दे मगर लग जा इत्थे भी तर जाएगा बोलिया ने तो जिन्हां दे ज़ेहन जिन्हां चा सारी हो बोलो अज मैं चूंकि सुर नहीं ला रहा तेनों ज्यादा ज्यादा समझा रहा मगर लग जा नजात इन्हां नाल ही इन्हां नाल मिलिया नजात
चलिया एसएचओ दा यार होवे तो जुर्म च फड़िया जाए ते सफाई छित्तर नहीं मार दे भी साहब दा यार है साहब आएगा ते दसेगा कब्र छित्तर मारने ने फरिश्तिया हशर छित्तर मारने ने फरिश्तिया दोज़ख सुटना फरिश्तिया ओ घर लब जिन्ना दी फरिश्तिया नाल बनी है हाँ 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 कुछ मौलवी आकर दी वजह तो बैठे ओ जिन्ना जर ना लबे मैं एक घर लबाई गुजारा कर कदी ओना दी चक्की पींदे ने कदी ओना दे झूले चलांदे ने और एक कारी पांच तन दा चलिया इना लाल है इत्थे भी तर जाएगा बोलो दे सही ਇਹਨਾਂ ਗਈ ਸਿਆਬਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਆ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਖੁਤਬਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਫਾਰੂਕ ਆਜ਼ਮ ਉਮਰੇ ਫਾਰੂਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ 3333 ਮੀਲ ਦੂਰ ਸਾਰੀਆ ਲੜਦਾ ਪਿਆ ਉੱਥੇ ਆਂਦੇ ਯਾ ਸਾਰੀਆ ਤੁਲ ਜਬਲ ਸਾਰੀਆ ਪਹਾੜ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖ ਖਲੋਤਾ ਮਦੀਨੇ ਆ ਤੇ ਗਾਈਡ ਕਿੱਥੇ ਕਰ ਰਿਹਾ 3500 ਮੀਲ ਤੇ यही गुलाम मुस्तफा दे जिन्ना दी नजर नहीं एक मिनट गल सुन मैं गल लगा कर दाद ना दे ते तेरी मर्जी है एक दिन बैठे ना ते अबू बकर सिद्दीक बैठे ने नबी पाक दे कोल ते कह लगे कमली वाले जबरील आ रहे हैं चास नहीं आई तेरी जाए कमली वाले जबरील आ रहे हैं आपने कहा तेनू किवें पता है या रसूलल्लाह उन्हें सिदरा छड़ी है ते मैं उदे परां दी आवाज सुन ली है हाय 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 जिदे नौकर सिदरा तो उड़न वाले जबरील दे परां दी आवाज सुन लैन ओनू अबू बकर आ दे लिया है तू बोलिया ही नहीं एक बार फिर बोल सुभान अल्लाह आल दा भी यार बन असहाब दा भी यार बन एक कश्ती नूनी और रोशन हदायत दे तारे ने पैर कश्ती च रख अख तारे ते रख फिर न जाते ए तो बगैर नहीं क्योंकि मौजू शान औलिया है बात करनी है वलिया दी एवें नहीं जिदे को इना कोइला में ओ तख्त ले आया 1400 मील तो गया भी नहीं ते अली कोल ते कुल किताब दा इलाज जे तेरी मौज होवे ते गल सुनावा तेनू चस आ जाएगी नहीं जे थके नहीं तो सुनाना मगर ना नहीं आ मैं दें दसा मदीने दा शहर किबला रिकॉर्ड पहली बारी करान लगा अल्लाह करे तेनू मजा आए मानिया वासे थके ते नहीं थे यमन दे ताजर मदीने आए तजारत करने ਉਹਨਾਂ ਚ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਯਹੂਦੀ ਤੇ ਈਸਾਈ ਨੇ ਬੇ ਔਲਾਦ ਹੈ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹਦੀ ਔਲਾਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮਦੀਨੇ ਦੀ ਗਲੀ ਟੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੈ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੌਲਵੀ ਆ ਅੰਨੇ ਚੱਟੇ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਇਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇੱਕ ਕਾਕੇ ਤੇ ਪਈ ਏ ਸੋਹਣਾ ਬੜਾ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਕਦੀ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਹੋਇਆ ਮੇਰਾ ਹਾਥੇ ਖੜੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ मजा आ जाता अगर बच्चा मेरा हो पूछ दिया मदीने आलियो ये बच्चा किधर है उन्हें आके कि यहूदी औरत है बेवा औरत है खामद फौत हो गया ओद है कहीं दा बुलाओ बुलाओ आ गई औरत बीबी मुंह मंगे पैसे ले ले ते एक बच्चा मेनू दे दे मैं प्यो बन के पाला उन्हें क्या चवला किसी पुत्र भी बेचे है मेरे का थक गया मैं छड़ गया उन्हें क्या वे कदी भरा किसी ने अपना बच्चा भी बेचिया ये रोन लग पिया वो बीवी सी कहती भी भरा रोया क्यों है उन्हें क्या मैनू मुंडा पसंद आया ते तू दिता नहीं उन्हें क्या मोल नहीं मुफ्त ले जा जागेगा तो चास है कि मोल नहीं मुफ्त ले जा लेकिन एक शर्त है जदों साल तो बाद आया करें ते मेरा बच्चा मेनू मलवा जाया कर उन्हें कहा कबूल है भी को कम है उन्हें कहा ले जा ये उन बच्चे नु ना लेके ये 12 ताजर यमन दे जिन्हें समझ आ रही रात खड़े कर आ ए टुर पैने वापस वो तो हवाई जहाज नहीं सन पैरी बेड़े सी ओ कोड़े ते सवार हो गए बेड़ा टुर पिया राज समुद्र च आ गया तूफान
या दरिया तूफान आ गया, बेड़ा लग पे डोलन, पुराने लोग सन काफर, वो जड़ी यहूदी सी ना, उन्हें कहो भाई सारे जो डूबदे हैं, असि इंज करो कि 12 सरदार हाँ, एक एक अपना गुलाम ना अपने सिर का सदका समझ के समुद्र सुट दो ताकि असि बच जाइए। ये देखो उन्हें यारा ने एक एक गुलाम जो कि धक्का मार के समुद्र सुटता, हूँ वारी आ गई ये जड़ा मंग के ले आया सी। पता नहीं मैं कितने पढ़ रहे थे, वारी आ गई ये जड़ा मंग के लिया सी। कह लगे तू सोच, इन सोची पै गया ईमान दे किसे दी मांग के लिया है मुसलमान, इन्हें मदीने अल मुंह कर लिया, कहिंदा छेती बौरी वे तबीबा, हाथ खड़े कर छेती बौरी वे तबीबा, नहीं ते मैं मर गईया तेरे इश्क ने नचाया कर। कहिंदी मदीने वालियो ए मदद करी, ए बच्चा मैं मंग के लिया तेरे शहर चो, ए बांदे ने सुट दे अगर सुटदा नहीं, ए लड़ेंगे अगर सुटदा वा, ओ भाई नूं मैं बच्चा किवें देवांगा। मेरे खत थके थके दर हाथ खड़े करया दे, सुभान अल्लाह, तुहाडे मुक्ति लई नारा तकबीर नाल दे। कह लगे तू क्यों नहीं सुनिया, वो कहना मेनू कसम अपने रब दी मैं मुसलमान आए मेरा नहीं। उन्हें कि तू वड्डा चौधरी है असा सुटे ने तू नहीं सुनदा, उन्हें बच्चा पकड़िया जबरदस्ती जा भी सुटिया, ये आंदा या अरहमर राहिमीन ओ राम करन वालिया, मदीने दे ताजदार दा वास्ता ही बचाई। अल्लाह ने एक मच्छी नु हुक्म दिता जिवें यूनस नबी नु निकलिया सी ना, एक बार सुभान अल्लाह लगा इवें इनू निकल, लेकिन ना दी हड्डी त्रोड़नी है ना पसली, फलां मुल्क दे जजीरे ते जाके बाहर सुट दे। ओदां ही ओ मच्छी ने हड़प कीता, ओ तरी पानी ते जाके जजीरे सुट, जदों नु होश आई ना मुल्क अपना, ना वतन अपना, ना शहर अपना, ना देश अपना, जिवें तुसी परेशान हो एवें ओ परेशान होके वेख रहे। हौली हौली समुंदर दे किनारे टुर पिया बादशाह, उस मुल्क दा मरिया तीन दिन होए ने ऐलान कीता सी जदों मैं मर जा मेरा पास हवा छड़ दिया जे जिदे मोढ़े ते आके बह जाए ओ मेरे तख्त दा वारस होएगा। इधरों इस काके ने कदम रखिया शहर अल, उधरों बाद इनू आंदे नहीं रसूल दी मदद। एक बार हाथ खड़े करके सुभान अल्लाह कर, ए यतीम बच्चा मदीने दा वक्त दा बादशाह हो गया, साल गुजर गया पूरा, साल तो बाद उन ताजर सोचदा है जे मदीने नहीं जांदा तजारत ठोस, जे जाना ते ओ माई, जिन्हों समझ आई ओदे हाथ खड़े करो। उन्हें कहा जे नहीं जाता तो कारोबार बस, ते जे जाना तो माई बच्चा मंगेगी। एक तुर पिया है मुंह ते ने मास्क ला लिया, आ गया मदीने दियां गलियां च अपने साथियों नाल, ओ माई पुछदी फिरदी है नी किसे वेख्या होवे, जिन्हां दियां मावां जिउंदियां ने ओदे सन, वे किसे दस्या होवे मैनू दसो, ओ मेरे बच्चे वाला ताजर किसे वेख्या होवे। एक माई कह लगी ओड़ा मुंह लुकाई बैठा ही ना, ए इथों जाके नपया आप आ गया ते मेरा किथे, जे थक गया ते तुहाडी मर्जी, नहीं ते पूरी सुना ले, थक गया हो मेरा किथे, रो पिया। उन्हें पूरी गल सुनाती, माई ने हवाज दुपट्टा लहरा के रौला पाता, 400 यहूदी मदीने दे कट्ठे हो गए। उन्हें कहा मेरे को मंग के लिया सा जे मुसलमान जी, मेरा मार आया जे, मैं अगे बेवार नहीं सा, ये मेरा पुत्र मार आया जे। उन्हें कहा इन्हां दी शरीयत या नफ्सो बे नफ्स कतल दा बदला कतल, इनू कतल कर दे जासे होना नहीं। शाहजी इन दरम्यान ही खड़ा कर लिया, 400 योद्धे बैठे ने, चला तलवार लेके आ गया,
इन्हें हम तीन चक्कर कटने नहीं दिते, तीजे चक्कर तो बाद इहदी गर्दन लानी। ये हम तौन नीवी करके रोई जांदा है। इहदे मुकद्दर वेख तीन चक्कर जल्लाद ने कट लै ते अली दी जोड़ी आ गई। पता नहीं जिन्हों चाचा ईमानी हाथ खड़ा कर जाने तीन चक्कर कर ले हसन ते हुसैन आ गए। ओए क्यों लगे हो मारन? उन्हें कह सजा दियो ये तुहाडे मजहब दा जे साडी इस माई को बच्चा मंग के लिया गया साजे उन्हों डोब के माराया जे ते तुहाडी शरीयत च कतल दा बदला कतल असी इसनूं कतल करन लगे आ। हुसैन बादशाह अगे आए उन्हों कहिंदे ने मरण तो डरना है। किन्ना च पढ़ रहा ओए मरण तो डरना है रोंदा है पिया मरण तो रोना है। उन्हें कह सजा दिया नहीं मेरी बुढ़ी माँ है तो दौलत में वेड़े च टोया पट के नपी है जे कोई मेरी सात दिन की जमानत दे दे तो मैं माँ नूं दौलत दस के ते आ जाऊंगा। हुण कौन जमानत दे? वो मौत की जमानत कौन दे? कोई मरली भी आउंदा सिर सुट के? हुसैन हाथ चुक के कहिंदे ने मैं जमानत देना तेरा मूड ही नहीं सुनदा तां मैं की सुनां। मेरे मौला हुसैन कहिंदे ने मैं जामणा। उन्हें क्या सजा दियो? वो कभी मरण लई कोई आया नहीं हो एक आज क्या जमान तवा देने इन्हें आना नहीं। अगर ना आया फरमाया मैं अगर हसन अगे आ गए ओए ना आया एक नहीं असी दो में आ गए। एनी जहरा दे नाल एनी बतूल दे पुत्र औखे वेले कोई काम नहीं आउंदा जड़े औखे वेले आउन ओनू हसन ते हुसैन आने। ए सात दिन दा वादा करके टुर गया चला गया। यहूदी बह गया रल के ओना क्या पियो ने आउना नहीं। ओना दी बीवियां कहंदियां ने चवलो जमानत किने दित्ती के हुसैन ने फरमाया फिर आएगा फिर अक्षा जी चास लग गया। जा छे दिन गुजर गए एक दिन रह गया आने च ए जाके यमन दे राज पै गए भी पंजी बंदे कौन टुरिया आउंदा को इन्हों फड़िया ओदिया हाथ पैर बन्ने एक पुराने खूह ते डाले सुट दिता आ गया मदीने। रात लंघी सवेरे जाके अली दा बुआ हुसैन निकले बाहर ओ कोई नहीं जे आया मेरे ख्याल तेन समझ नहीं आई। ओनू फड़ के खूह सोटा है हाथ बन के ते आके कहिंदे ने ओ कोई नहीं जाया ए गुलाम हुसैन नहीं सी हुसैन सी। मेरे मौला जी वेख के कहिंदे ने कोई नहीं आया कहिंदी नहीं आया नहीं आया जी नहीं आया नहीं आया जी नहीं आया। चलो फिर मिल लिया चलो जल्दी जल्दी हसन भी अंदरों निकले एक नहीं दोवें ए तो में आ गए। इधरों गुलाम प्या वेंदा अली दा जिहदा नां है कंबर। ऐतकी मैं गौस पाक दे रोजे ते गया मैं खुश नसीब इंसान हाँ जिन्हों चार पांच साल हो गए लगातार बगदाद जांदे हां और इस साल वह मौलवी और फतवे लाते नजम शाह से कुरान मेरे सिर से जुमे का दिन सी बीबी जैनब के मजार से शाम शिया जुमा पढ़ रहे सन मैं सुनिया अलग जुमा पढ़ाया और ये मेरी बख्शिश की नजात अलग एक नौकर च मैं क्या आसान दो मैं पढ़ाना जुमा हुसैन दी इन्हें की पता जैनब कौन है। अज मैं दस रहा सा हुसैन की कुर्बानी चार घंटे की तोल जैनब नू तेनू काश दस्या होवे इहदी कुर्बानी की है। सुन गौर दे नाल एक कंबर दा ओड़िया चार साल हो गया सानू किसे दसे नहीं शाह जी ओ डायर की लग गया सी ना ओ मैनू कहिंदा है जी गौस पाक दे मजार ते मगरब दी नमाज असी पढ़ी निकले बाहर सलाम करके व्यारमी वाले ने ते मैनू कहिंदा है कंबर नू जानदे हो? मैं क्या बहुत ज्यादा कदी कहया मैं कहा सानू पता ही नहीं। उन्हें कहा जी वो सामने कबर कबर दी ए अली दा नौकर नहीं अली दे घोड़े दा नौकर सी कदी मैं कंबर पढ़न लग पा सूरज चढ़ जाएगा ये कौन सी सलाम किया एक कंबर दौड़े आके कह लगा मौला अंधेर आ गया। अली कह लगे की होई? उन्हें कहा तेरी जोड़ी नू मारन वास्ते यहूदी लै गए फरमाते ने बह जाओ कुछ नहीं आता
जिन्हें चस आई तो बोलन कुछ नहीं होता उन्हें कहा मुर्शिद तेरे प्यार दी कसम ले गए जदों जिद की अली कहिंदे ने चल हुण मैं वेना भी बर्दाश्त केड़ा करदा है हुण मैं वेना उठ के दाद केड़ा देंदा है हुण मैं वेना भी सड़ केड़ा जांदा है अली आए अगे ओ हुण खलोते ने तलवार लैके भी दस भी गाटा हसन दा लाइए कि हुसैन दा जां अली नूं वेख्या यहूदी कंबन लग पिया अली अली है जा मेरे मौला ए करीम इजले सु बैठ जाओ की गल है उन्हें कहा मौला गल का दी ए बंदे मारे बंदे ने मारे सी साडे एदे पुत्र नु ते उस जमानत ही तेरे पुत्र ने आया नहीं अज ओदी धौण लानी सी ते ओदे बदले हुण तू दस आया है तेरी शरीयत च कतल दा बदला कतले हसन दे नहीं के हुसैन खुदा दा वास्ता जे पचाया जी खुदा दा वास्ता अली ने कहा बह जा बह गए मेरे मौला खड़े हो गए दोवें हाथ सैयद अकमल शाह तेरे दादे ने इंज कीते सज्जे हाथ नाल तख्त तो काका चुकिया खब्बे हाथ नाल खूह विचों बंदा चुकिया तू कहेगा नजम शाह ए किवें जिवें आसफ ने तख्त चुकिया सज्जे हाथ नाल काका गया भी नहीं खब्बे नाल खूह चो बंदा ऐं चुक के मदीने लिया के उतारे यहूदियां वेख्या इधरों काका चुकिया हुंदा सिर ते ताज इधरों बंदा टुरिया हुंदा करीब आके अली फरमांदे ने माई उरां आ जमानत किन्ने दीती सी तेरे हुसैन ने जमानत किन्ने दीती सी तेरे हुसैन ने जमानत किन्ने दीती सी तेरे हुसैन ने फरमाया यतीम दिता सही बादशाह ले ले जिन्होंने ठंड पै रही तो सुभान अल्लाह को और यतीम दिता सही एक और सुभान अल्लाह का यतीम दिता सही बादशाह ले ले ओए ए लजपाल ने खुदा दी कसम ए कौन ने लजपाल इना दे लड़ लग जा आखिरी गल इजाजत ए शाह साहब नूं मैं इमाम मस्जिद वाले दीयां गल्लां सुना रहा सी साडा ज़ेहन नहीं मनदा ये कैसे हो गया वो कैसे हो गया ये कहां लिखा है वो कहां लिखा है चलिया जो तू अपने दिमाग ते तोलेगा फिर नहीं ये साडे दिमाग विच आन वाले बोलो दे सही मैं छोटी जी गल करना ताकि तेनू कील ना पहले हजरत उमर रजी अल्लाह तआला नु बैठे ने ते जमीन कंपन लग पी अंज जलजला आ गया सरकार उठे आपने अपना कोड़ा फड़िया हवा च लहरा के तीन सट्टा मारिया जमीन फरमाया रुक 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 जमीन रुक गई तेरे ना लड़ी हुई जनानी चुप नहीं कर दी ते उमर ने सट मार के जमीन नु क्या रुक ते जलजले तो जमीन रुक गई जिदे नौकरां दे अख्तियार ने हुण सोच मालकां दा की होवे जिन्हां दे रुकियां नाल बंद दरिया चल पै की बणावां बंद दरिया चल पै सुन लै यार ज़ेहन च आ गया ते मैं दसणा पिया जनाबे उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप दी एक कनीसी दा नाम सी मीना फरमाया मीना सर्दी बड़ी है ते जा जंगल जो थोड़ियां लकड़ियां इकट्ठियां करके लिया ए गई जाके तो उन पता औरतां हरीस होंदियां ने इन्हें पंड मार ली बाबा सारी तगड़ी सुखियां लकड़ियां दी हुण जो चुकदी ते चुकी नहीं जांदी मैं ज्वारे फरीदी चो पढ़न लगा चुकदी ते चुकी नहीं जांदी ते जे विचों कढ़दी ते दिल नहीं करदा खप खपा के लकड़ियां इकट्ठियां कीतियां ने उता मुंह करके कहिंदियां नौकर उमर दियां जिहड़ा सुहाबा नूं मनदा अजे भी नहीं बोलदा ते मरदी ए परवरदिगार आलम कनीज़ उमर दियां
पिछा मुड़ के वेख्या ना एक चिट्टियां कपड़े वाला काका है कुंडरा वाले वाल ने जिसम चो खुशबू आउंदी वो कहिंदा माई लकड़ियां चुकनिया नहीं अखे हां जी फिर मैं तेरा काम मैं करना ते तू मेरा कर माई आंदी बच्चा की उन्हें कहा तू उमर नू मेरा सलाम कहीं मैं तेरिया लकड़ियां बजाना बोलिया नहीं आया उमर नू मेरा सलाम कहीं मैं लकड़ियां बजाना उस बंदे ने इंज इशारा किया एक वट्टा रिड़दा आया लकड़ा नू इशारा किया लकड़ा उड़ के वट्टे दे उत्ते टिक गईयां वट्टे ने क्यों उमर दे घर दा पता ही जाओ पाकिस्तानी वट्टिया उमर दे घर दा पता ही वट्टे ने इंज किया पता है फिर मैं माई नू छड़ के आ अगे अगे वट्टा रिड़दा जांदा है वो वट्टिया नू नबी दे गुलामां दे घरां दा पता होए हज़रत अल्लाह ताला नू अपने दरवाजे अगे खड़े ने चा वेखियो ए वट्टे ने इंज किया लकड़ां सुटियां बूहे अगे वट्टा वापस टुर गया ते माई नू पुछण लगे ए की उहने कहा मैनू नहीं पता जिन्ने लदियां सन उहने कहा सी उमर नू सलाम कही फरमान लगे चल नबी कोल चलीए रसूल कोल आए ना नबी मुस्करा के कहिंदे वट्टे ने हैरान कर दिता है या रसूल ए की फरमाया वो जन्नत दा दरोगा सी रिजवान जिदे गुलामां दे वट्टे ते पार जन्नत दा दरोगा टोए उनू उमर आंदे ने तू किनू तोलेगा नबी दे गुलामां दे इख्तियार पढ़न लगा ते ए मुकदे नहीं खुदा दी कसम ए इना दी अजमत ते शान है नहीं लेकिन जड़ी मैं गल आखरी लगा करन दे इजाजत शाह जी एक बंदे ने बस खरीद ली बस और ओ ईरान दे बॉर्डर ते रहिंदा सी ते सोचन लगा कि उमर आखरी है छड भरा हुण इस बस ते सवारियां पूरा परां दी की टोणियां ने लोकां नू ऐलान करन लगा जिन्ना अली दे पुत्तर दा सलाम करना है ना जाके मशहद च ओ वीजे कटा लो ते मैं सिर्फ मशहद दीआं सवारियां टोवांगा ओ जांदा मशहद अठवें इमाम दा सलाम करांदा ते आ जांदा महीना लंघ गया ना ते इमाम एक दिन आखरी गल जी ख्वाब च मिले ते कहन लगे ओ ड्राइवरा हुण जदों आवें ना हुण वेखे खानदान लजपाल किन्ने हुण जदों आवें ना ते जिथे तू रहिंदा उत्थों त्रीजे महल्ले विच इक इब्राहिम नाम दा बंदा रहिंदा जेब कुतरा उहनू लैके आई ओ कहन लगा ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्ला ए आले रसूल ते आंदे ने पै जेब कुतरे नू लैके आई फिर सौ गया इमाम फिर ख्वाब च मिले सुनया नहीं ओ इब्राहिम जेब तराश नू लैके आई इन्हे फिर लाहौल पड़ी फिर सौ गया फिर ख्वाब च मिले कहन लगा गल सच्ची है जल्दी मुकावा घर आ गया सवेरे नहा धो के उस महल्ले च पहुंचया लोगों नू पुछदा इब्राहिम दा घर केड़ा है वो कहिंदे ने तेरी जेब गट्टी सू इन्ना मशहूर सी उन्हें क्या सामने निकलिया बाहर इंज वेख के ना गुस्से नाल घूर के शाह जी कहिंदा ओए सिर लै जा अज कोई मनहूस मथे लगा सी एक जेब कट्टी है सिर्फ 20 रुपये निकले ने तेरी ते मैं नहीं कट्टी तू सवेरे सवेरे किवें आ गया ये ड्राइवर कहन लगा मैं जेब लेनी आया मैं जाना मशहद अठवें इमाम दे रोजे ते मैं सवेरे जाना ते तेनू लैन आया ए लगे जन्नती आउण कन्ना नू हथ ला के कहिंदा ना बाबा ना उत्थे नेक जांदे ने जिन्हों समझ आ गई है ओथे ने होर वंग ओथे नेक जांदे ने मैं ते जेब कुतरावा बदमाश मेरा काम ओथे नहीं मैनू डर लगदा उन्हें कहा नहीं मिल जाना जो जिद कीते ना उन्हें कहा मेरे कोल किराया भी नहीं 20 रुपये ने उन्हें दस्या था ना इमाम ने क्या उन्हें कहा मैं तेरे कोल किराया भी नहीं लेंदा सवेरे ले जाना है तो उन्हें कहा अच्छा भाई लै जा सारी रात ड्राइवर सोचता रहा भी इनू क्यों बुलाया सुबह दिन चढ़िया सवारियां दी बस भरी है ओदे बूहे अगे आके आरन दिता ओ निकलिया बाहर कहिंदा तू नहीं मुड़दा आखे नहीं चल फिर फ्रंट सीट ते बा लिया ड्राइवर नू सोचदा भी इनू क्यों सद्दिया ए जेब कुतरा इनू इमाम ने क्यों बुलाया जां जंगले च बस सही अगे डाकू खलोते सी उन्हें कहा रोको थले उतरो सारी बस लुट ली लुट के कहन लगे जाओ जां बस चली ना ते चार कदम जाके ड्राइवर ने बस रोकी ते रोन लग पिया इब्राहिम पुछदा रोया क्यों है उन्हें क्या ओए मेरे को ते तेल जोगा भी पैसा नहीं सी जेडे पैसे ही सन ओह डाकुआं लुट लै ते हुण बस चलेगी किवें कहिंदा अच्छा थले उतरो सारे पासे लोग लाइन बनाओ
ईमान की सलामती दस दे रहे किने लुटे कहिंदा जी 5000 कहिंदा लगे नूं 5000 चल सीट से बहो तेरे किन्ने लुटे ने जी 2000 फड़ 2000 झूठ ना बोली चल सीट से बहो तेरे जी 3000 फड़ 3000 उन ड्राइवर है रान पी इहदे कोल ते 20 रुपये सन ओह इह की करदा है जाओ लख डेढ़ लख रुपया वंड दिता ना ते ड्राइवर कहिंदा ओए अब्बा ओए तू जेब कुतरा खुदा दा वास्ते मैं मर जांगा तेरे कोल ते 20 रुपये सन इह की है उन्हें बोझे च हथ मारिया कहिंदा वेख लै ओही 20 ने हूं तू टिल भी लाए मौलवी तू असरों बगैर रहना नहीं उन्हें क्या थे ऐ जरा लख वंडे ये उन्हें क्या तेनु पता है भी मैं आज ये भुगतरा ये जो तो लुटन डे ऐसी ना ते मैं वेंद आसाय कर दे की ने ये लुट लुट के सरदार नू फड़ाई जान दे सान वो बोझे ज पाई जान दासी मैं बस ते चरण लग गया ओ दे बोझा कट ले ड्राइवर कह लगा हूं समझ आई है तेनु क्यों सदया कहिंदा की मतलब उन्हें क्या मैं तेनु खुद नहीं ले आ रहा अली दे पुत्र ने क्या से तेनु ले आई जाम मशद आया सारे उतर गए इस सीट ते बैठा ड्राइवर कहिंदा उतर उन्हें का ना पाई मैं मौके ते फड़िया गया मैं नहीं जाना जेल जाने ही आखिरी फिकरा मेरे हाथों नु रस्सी पा लै मेरे गल च रस्सा पा लै मेनू मुजरम बना के अली दे पुत्र दे बूहे ते तरीक के लै जा जा इनू खिचदा आया मस्जिद दी बारगाह दे अंदर कदम रखिया फजावां ही च आवाज आई ओ ड्राइवरा एदे बंधन खोल जिसको हम बुलाएं हम इज्जत देते हैं बेइज्जत नहीं करते आज ले इनकी फना आज मदद मांग इनसे कल ना मानेंगे कयामत में अगर मान गया कोई किसे बेटे बदनसीबी साड़ी ए के साड़े विच चूंकि इख्तलाफ है आज तक दसे ही नहीं भी आज दिन की है जिन्हां नूं पता हाथ खड़े करो आज की दिन है मैनूं पता लगे भी मौरवी तुहानूं किने दस्सिया अज अली दे प्यो दे जम्मन दा दिन है अबू तालब दी विलादत दा दिन है 29 शव्वाल सईदा दे दादे दे पैदा होण दा दिन है ते मौलवी कहिंदा उन्हें कलमा नहीं सी पढ़िया हूँ मैनू नहीं पता भी मेरी हथी पै जाएंगे तो जे तू कमें तो दो फिकरे पढ़ते हैं दे दे अली दे प्यो ते दो फिकरे पढ़ते हैं ताकि अज चेटा ही मेरा दिल करता है भी सईदा दा दादा है मैं दो जुमले पढ़ते हैं ओदी शान च ते पढ़ा कुरान च तू कहीं ना कलमा नहीं पढ़िया जरूर पढ़ नबी दी ज़ात सिर्फ तीन पढ़ना तीन मिनट ताकि इन्हां नूं नजर आए पहली आयत छेवीं तो लग के एमए तक बच्चा जानता है कि ये बाइकाट होया सी मुसलमाना जदों शेबी अबी तालब विच गए ने बाइकाट होया नबी करीम मैं ऐत लगा पढ़ नबी करीम गुजरे ने काबे चो ते अगे उथे चिट लगी है ना मुसलमाना नु देनी है ना लेनी है ना इन्हां नु वरतना है ना खाना है ना पीना है ना बोलना ना हुक्का पानी बंद घर आए आके कहणगे चाचा साडे ते ते पाबंदी लग गई हजरत अबू तालब कहण लगे भतीजिया परेशान ना हो पुत्र इथों 1.5 मील दे फासले ते मेरी 2 कनाल जमीन है शेबे अबी तालब ते जे तू कमे ते आपां उथे ना चले चलिए फरमाया चाचा जे तेरी नहीं मननी ते किदी मनांगे चल 3 साल मेरे नबी शेबे अबी तालब च रह मैं जे गलत पढ़ना ते मौलवी टोकन रहने जी हुन मैं ऐत पढ़ा किदी आखे लग के रहने चाचे दे किदी आखे लगे ने कुरान कहिंदा है फास्तिर ले हुक्म रब्बे का वला तोते मिन हुम आसिमन ओ कफूरा मेरे महबूब किसे काफर दे आखे नहीं लगना दस
सरकार तीन साल शेबे अबी तालिब च रहे ने जे अबू तालिब दे आखे लगे ने ते मन अबू तालिब काफर नहीं क्योंकि कुरान कहिंदा वला तुते मिनहुम आसिमन औ कफूरा किसी काफर दे आखे लगना नहीं तुहानू समझ नहीं आई ते मैं सादा पढ़ लीना फिर आज पढ़ लांगे तफसीर रूहुल बयान साडी है या शियां दी है स्टेज तो आवाज आनी चाहिए थी इन्हें नहीं पता बोलो साड़ी है अलामा इस्माइल की साड़े ने के शिया दे साड़े ने ना वो दे बेचना हो दे मेरा प्यार कोई नहीं वो दे चे कि नबी मेरा आई दी रात गए ते आपने चाती मारी दोजे के थे ते एक बंदा वशकार दोजे के बैठा है आग आऊं दी है उन्हों सार दी नहीं पिशा मुड़ जान दी ते वो हसी जान दा है मुड़ का पूंजी जान दा है हसी जान दा है आपने क्या जबरील ए चंगा दोजे की है आगे उन्हों सार दी नहीं कौन है कमली वाले आये हातम ताई है काफर इन वा क्यों नहीं सार दी उन्हें जट भी समझेंगे इन आग क्यों नहीं सार दी कमली वाले इसलिए कि ये मखलूक पालदा सी रब दी गैरत गवारा नहीं कर दी सखी सी कि जेड़ा मेरी मखलूक पाले उन्हें आग साड़े दो वाले वो हाथ प्या जोड़ना जेड़ा मखलूक पाले उन्हें आग नहीं सार दी जेड़ा 45 साल महबूब पालदा रहा है होर बड़ा ऐत बड़ा हाथ चे कलीमुल्ला छे दिन दी उम्र है बीबी आसिया लोरी भी दी एंज एंज उतो फिरौन आ गया ऐत ऐत उन्हें आके क्या मेनू दी उन्हें क्या तू पली दे ए पाके उन्हें क्या दे उन्हें क्या स्वाद ले छे दिन दे कलीमुल्ला ने थोकला के सुटी ना एक ऐप आई ठा एंज मुंह आया इंदा मैं तीन वहां दा सने बच्चा ओ ये जड़ा जादूगर कहीं दे सन इस बच्चे मेरी बादशी दी तबाही दे होनी मैं इनू कतल कर लगा उलमा इकराम मैत लगा पन या झूठे हो जो या झूठा करो तलवार कर ली दरमियान जमीन च लटाता मूसा अलैहि सलाम ए लगा मारन अगे बीबी आसिया आ गई उन्हें क्या कुर्रा तो ऐनी ली वलक ला तक तो लू हो ए मेरिया अखा दी ठंडी ते मैं मारन नहीं हो देना ते नहीं मारन देता मारन नहीं हो देना ते नहीं मारन देता मारन नहीं हो देना ऐत पड़ी है ते नहीं मारन देता जेडी कलीमुल्ला बचा गई ओ जन्नत दी सरदार बन गई जेड़ा हबीबुल्ला बचा गया ओनू अग भी सार दी है बोलो शाहजी तीन साल मेरे नबी नू आप आंदे चाचा आंदा ऐ बच्चा ऐ कमीज ला ते मेरे नाल जफ्फी पा के सौ जेड़े पौने नू नबी हाथ ला दे ओनू अग नहीं साड़ दी ते जेड़ा कमीज लवा के जफ्फी पा के सौंदा रहा तीन साल बोल नहीं मैं इंडिया गया इंडिया उथे दरबारे आशकुल्ला आशकुल्ला ओदा 6 मील दिल्ली तो बाहर है उथे गए पूछा उथे की लैन गया उथे ओ चिल्ला गाए पहाड़ दी चोटी ते जिथे पाक पतन वाला बाबा हक फरीद ते या फरीद चिल्ला कर दे रहे ओ वेखन गए उथे गए मेनू मेरे नाल दे पुछणगे शाह जी इत्थे की है इत्थे मैं क्या खाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी दे कहन ते बाबे फरीद ने तैये दे रोजे रखे ओ की हुंदा 3 दिन तो बाद खोलना बाबा जी ने जो रोजा रखिया 3 दिन तो बाद हालत गैर हो गई गर्मी बड़ी सी एक बंदा आया रोटी लेके उन्हें कहा जी रोटी ना रोजा खोलो आपने मुंह च पाई तो उल्टी आ गई एक रोजा एक उल्टी उत्तों आ गया मुर्शिद कुतुबुद्दीन ओ दो बंदा टुर गया फरीद की होया ही मुर्शिद रोजा रखिया सी ते कोई बंदा रोटी दे गया सी ते मैं रोटी खादी तो उल्टी आ गई फरमाया मुबारक हो गई उन्हें कहा मुर्शिद मेरे पल्ले कख नहीं रहा रोजा खोलिया सी ते तुसियां ते मुबारक हो फरमाया ओ शराबी दी रोटी सी ते रब ने गुआरा नहीं कीता मेरे फरीद दे टेडे च किसे शराबी दा टुकर जाए फरीद वर्गे करोड़ा मोदी ना लैन तो वारा होए
खुदा दी कसम अली तो अली दा बाप है। सुन 42 साल मेरा नबी अबू तालिब दे घरों खांदा रहा। जे अबू तालिब काफर सी सोच के फतवे ला आए। खुदा दी कसम किसने बाबा फरीद को पूछा तुसी भी वली हो अली भी वली है फर्क की है। शादी अजीब सवाल जे बाबा साहब को पूछा तू भी वली अली भी वली फर्क की है। फरमाया कमी है कि चौधरी है। कहिंदा जी कमी दाने अपने नहीं के लैके खाना है। उन्हें कहा जी लैके खाना। फरमाया यही फर्क है वलायत अली दे कर दी है। समझ आया। मैं तसली उलमा दी करा बैठे तफसीर मजरी सनाउल्ला पानीपति रहमत दी लिखी ओदे च लिखे है जिन्ना चिर अली दुनिया च नहीं आए जिन्ना चिर नहीं आए कौन तुम खैरा उम्मत नु खिरत लिनास तामरुन एदे तहत लिखे है उनी देर तक आदम तो लाके ईसा अलैहि सलाम तक जिन्ने नबी गुजरे ने इन्हां दीआं उम्मतां विचों जिहड़ा भी वली बनया है ना वह अली दी रूह कोलों खैरात पिन के वली बने। तफसीर मजर पढ़ जा जिहड़ा जम्मन तो पहले वली बनांदा रहा है वह दुनिया च आउण तो बाद की करेगा। और ये वलायत दा ताज चलदा चलदा फिर मेरे गौस को आया हुण क्यामत तक जिहड़ा वली बनेगा गौस दी जुत्ती चुम के बनेगा। मेरे दोस्तों मेरे अजीजों सिर्फ इन्ना सोच लै कि अली दा बाप है। एक गल निकी जी करन लगा और दुआ मंगने जाने ये हाफज जिहड़े ने हाथ खड़े करो जिन्हें कुरान हिफज किया स्टेज ते आ कोई माशाल्लाह मुबारक होर कोई तुसीं आ फदा नहीं हफद हो यह हदीस है वे कि हफद कियामत वाले दिन 10 बंदे छड़ाएगा अपने है जी 10 बंदे जिन्हां ते दोज़ख वाजिब होगी होगी उन्हां नूं छुड़ाएगा। जिहड़ा कुरान दा हाफज होएगा वो 10 बंदे दोज़ख ही छुड़ाएगा। जिस अबू तालिब दे 12 पुत्र वक्त दे इमाम होण मेरे दोस्त ये चूंकि इख्तलाफी मसला है तेरा दिल मन ना मन ये अपनी अपनी मर्जी है। उलमा दे जिच इख्तलाफ है कुछ कहिंदे ने कलमा पढ़िया कुछ कहिंदे ने नहीं पढ़िया तू नहीं मनदा ते चुप रह कम अज कम अली दे बाप दे खिलाफ ना बोल यही तेरी बेहतरी है क्योंकि वह पाकों की जात है। इस वास्ते मैं सब तो ज्यादा मेन टेंशन ये भी घर में अली भी कलमा पढ़न वाला घर में बीवी भी कलमा पढ़न वाली एक कल ही काफर से समझ तो ही बाहर है। बहरहाल अल्लाह तला की जात तुहानू ते मैनू राय हक की तौफीक देवे। ये मन्ना ना मन्ना अपने ज़ेहन की गल है मेरे बेटे किसी के मुसलत करना नहीं ये क्योंकि चिटक सैयद ने दी सी मैं अपना किदा बयान किया कोई नहीं मनता उसकी मर्जी कोई जबरदस्ती नहीं साडा मसलक जिहड़ा साडे मसलक कुछ दोस्त मनते ने कुछ नहीं मनते अपना अपना ज़ेहन है।